चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया कंसेप्ट जो है एक्चुअली कंसाइनमेंट अकाउंट हमें बनाना है। ये जो सम हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन से ईयर में आया हुआ है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी हमें आया हुआ है, गुजरात यूनिवर्सिटी में FIBCOM नवंबर 2019। और ये सम नंबर 1 है जिसमें 14 मार्क का इसका वेटेज है। जहाँ पे हमें क्या बनाना है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और कंसाइनी अकाउंट और जो हमें बनाना है, हम ये पूरा सम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी लेवल बहुत आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा हमें बेसिक जो हमारे कैरेक्टर कौन कौन दो लोग हैं, एक कंसाइनर और एक है कंसाइनी, तो उसके बारे में समझते हैं। अशोक भाई ऑफ अहमदाबाद कंसाइन 300 बाइसिकल टू रसिक भाई ऑफ राजकोट ऑन 1/10/2018। तो आपको ये समझ में आ गया कि अशोक भाई है वो कंसाइनर है और जो आप बोलोगे सर जो रसिक भाई है वो कंसाइनी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो बोली गई है सर 1260 पर साइकिल, बट प्रोफॉर्मा इनवॉइस वॉज मेड आउट ऑफ फिगर सो दैट शो द प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। क्या बोला हुआ है, इनवॉइस। तो अब आगे चलते हैं बच्चा, कैलकुलेशन के वक्त वो ध्यान में रखेंगे, वो दिन पे अशोक भाई ने इतने एक्सपेंस किए हैं। सेम वे ऑन द अशोक भाई सेंड द बैंक ड्राफ्ट, हमें इतना मिल गया है वो बोला हुआ है। इसके बाद बच्चा बोला हुआ है अशोक भाई ने जो जो सेल किया हुआ है, अशोक भाई सेंड अकाउंट सेल्स एंड बैंक ड्राफ्ट फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। तो हम लास्ट में जो कंसाइनी अकाउंट में वो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पे बोला हुआ है कि ये सेल कैश में हुआ है, ये बोला हुआ है क्रेडिट पे हुआ है, ये बोला गया है कि सर रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अशोक भाई मतलब कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। रसिक भाई पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस, तो मतलब कंसाइनी ने ये एक्सपेंस किया हुआ है। रमन एंड अश्विन बिकम अ बैंक करप्ट, अब समझ लो दोनों बैंक करप्ट हो रहे हैं, अब डेल क्रेडिट भी कमीशन पे हो रहा है, तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर ने ली होगी वो बैड डेब्ट्स कंसाइनी को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की होगी। तो रमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर ने नहीं ली, तो जो भी बैड डेब्ट्स होगा वो कंसाइनी को ही बैर करना पड़ेगा। और ये जो दूसरे भाई साहब है जिनका नाम है अश्विन, इनकी वजह से जो भी लॉस कंसाइनी को आएगा वो कंसाइनर बैर करेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, कंसाइनर ने। चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दो कमीशन देने हैं, तो वो है एक डेल क्रेडिट और दूसरा है आपको बोला गया है कि ऑन सेल्स पे टोटल सेल्स पे देना है। अब बच्चा एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले कमीशन दो टाइप के है, वो एक जनरल कमीशन और डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट कमीशन में क्रेडिट सेल्स पे दिया जाता है। क्लियर, चलो बच्चा। तो ये होते ही आप बोलोगे सर अब यहाँ पे हमें क्या क्या बनाना है, वो मैंने थोड़ा बना के रखा हुआ है तो आपको क्लियर हो जाए। इन द बुक्स ऑफ अशोक भाई जो है कंसाइनर और कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, सिंपल हम जो करेंगे ये सब कुछ गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट और यहाँ पे आपको लिखना है तो क्रेडिट। दूसरा आगे चलते हैं, अब दिया हुआ है कंसाइनी अकाउंट, रसिक भाई अकाउंट दिया हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर, जाने दो आगे। तो इतना हमें दिया हुआ है, अब हमें जो करना है सबसे पहला पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो पॉइंट पे फोकस करते। चलो बच्चा, तो पहला है हमें इनवॉइस प्राइस को कैलकुलेट करना, जो हमें फोकस करना है ये वाले पैराग्राफ पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि सर इनवॉइस प्राइस जो है वो कैसे बनेगी, 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे बच्चा आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो आपको समझना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स हमारा है कितना, सपोज 100 है, तो उसमें से आप बोलोगे सर प्रॉफिट कितना होगा, तो 25% बोला हुआ है, तो हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 25 माइनस करोगे तो 75 हो जाएगा। अब बच्चा ये आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो इनवॉइस प्राइस दी होती है तो ऑलवेज सेल्स पे होता है, कॉस्ट प्राइस दी होती है तो कॉस्ट 100 लेना होता है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं, हमारे सम में क्या गिवन है, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, तो हमें ये पता है कि ये जो 75 है वो रिप्रेजेंट करेगा 1260 को, तो हमने लिखा जब 75 हमारी कॉस्ट है तब हमारी कॉस्ट प्राइस है 1260, जब 100 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चा, तो ये 75, ये 1260 और ये 100,
सॉल्व करते हैं तो क्या हमारी सेल्स प्राइस आएगी 1260 इंटू 100 डिवाइड बाई 75, तो हमारी सेल्स प्राइस आ जाएगी 1680, जिसको हम इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं, वो ध्यान में रखना। कितना लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1680, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1260, तो 420 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आ जाता है तो पहला जो हमें ध्यान में रखना है, इसकी इफ़ेक्ट डालनी है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, हमने 300 साइकिल जो है वो रसिक भाई को बेचे हुए हैं, तो हम सबसे पहले इससे हम एंट्री शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अभी आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट, तो यहाँ पे हमें 300, और आप बोलोगे सर ये वन कितना था, 1680, ठीक है। सेम चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पे आप बोलोगे सर कंसाइनमेंट, और यहाँ पे हमारा डिफरेंस लिखा जाएगा जो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 420, जो हमारा इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस जो है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो 300। अब आप बोलोगे सर दो साइड क्यों लिखा, ऑलवेज बच्चा कॉस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड होती है, तो हमें पता है कि इसकी रियल कॉस्ट कितनी है, 1260 है, और जिसमें से हमने इनडायरेक्टली रिकॉर्ड कैसे किया, 1680 और यहाँ पे 420 हमारा इनडायरेक्टली रिकॉर्ड हो गया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पहले ऑलवेज हम यूनिटी लिखेंगे, तो प्रॉपर लिख देते हैं यहाँ पे 300, तो पहले हम लिखेंगे 300 और इनटू 420। अब जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 300 इंटू 420, तो आप बोलोगे 1,26,000, और यहाँ पे बच्चे आप बोलोगे 300 इंटू 1,680, तो हो जाएगा 5,04,000। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब बच्चा बात आती है आगे की, यहाँ पे अब हम इंफॉर्मेशन क्या है, ये वर्किंग मोड में बच्चा लिखना है तो लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑन सेम डे अशोक भाई इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंस। अशोक भाई कौन है, तो आप बोलोगे कंसाइनर, तो कंसाइनर है तो उसके रिलेटेड तीन एक्सपेंस उन्होंने किया है। अब जो जो एक्सपेंस है वो लिखना शुरू करते हैं बच्चा, तो यहाँ से अब लिखेंगे, तो हमारा पहला एक्सपेंस का जो नाम है वो लिखना शुरू करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चा, कैश अकाउंट। कैश क्यों, क्योंकि अशोक भाई खुद अपनी बुक में कभी अपना नाम नहीं लिखेंगे, उन्होंने पे किया है, उनके पैसे जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। चलो तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है कैरेज, जो हमारा है 1000। दूसरा है फ्रेट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फ्रेट कितना है बच्चा, 1500। तीसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमारा है वो 5000। क्लियर, अब टोटल कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 5000 में वो 6000 7500 हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो ये एंट्री भी हो गई। अब बच्चा आगे चलता है, अब यहाँ से आगे जाया है और इन्फॉर्मेशन ये ख़त्म, यहाँ तक सारी एंट्री। ऑन सेम डे रसिक भाई बैंक ड्राफ्ट ऑफ 2,47,350। रसिक भाई कौन है, कंसाइनी, उन्होंने हमें क्या भेजा, तो आप बोलोगे बैंक ड्राफ्ट भेजा है, इसका मतलब बच्चा ये हुआ उन्होंने क्या भेजा है, तो हमने पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रसिक भाई अकाउंट क्रेडिट होगा, क्या लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में बैंक ड्राफ्ट, कितना भेजा, तो 2,47,350। क्लियर, ये कौन सा अकाउंट है, तो कंसाइनी अकाउंट में हमने ये इफेक्ट डाली। इसके साथ बच्चा अब ये पॉइंट भी क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है और अकाउंट सील्स भेजा हुआ है और बैलेंस का वो ड्राफ्ट भेज देंगे, तो लास्ट में हम कंसाइनी अकाउंट में बैंक लिख देंगे। आगे चलते हैं, ही रिपोर्टेड द अकाउंट सेल्स दैट, अब ये जो जो सेल्स किया हुआ है वो हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये कंसाइनी हमारा जो है वो सेल्स कर रहा है, हमारे लिए इनकम है, सेल्स कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे रसिक भाई, जो हम ब्रैकेट में लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट, क्या लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये
कंसाइनी अकाउंट, समझने के लिए लेकर रख रहा है। ध्यान रखना पूरा नाम प्रॉपर लिखना रसिक भाई, जो बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने जैसे सेल किया है वो लिखना शुरू करते। सबसे पहले सोल्ड 150 साइकिल, तो यहाँ पे मैंने लिखा कैश और 150 इनटू, आप बोलोगे सर 1850। दूसरा बोलोगे सोल्ड साइकिल 2000 ईच ऑफ रमन ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे हमने लिखा रमन और कितनी लिखी, आप बोलोगे सर 80 साइकिल है और इसकी प्राइस है 2000। तीसरा जो है वो लिखा हुआ है ही सोल्ड 40 साइकिल एट 1900 ईच टू अश्विन ऑन द रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अशोक भाई। अशोक भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कंसाइनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो हमें बोला गया है, तो ये ध्यान में रखना, ये गलती ना हो। तो हम समझने के लिए आपको ये अलग अलग कलर तो हम सर यूज़ कर रहे हैं, आपको वो ध्यान में रखना है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके समझने में आसानी रहे इसलिए। तो ये इंसॉल्वेंट होने ही वाले आगे हमें पता है, तो हमें क्लियर कर देना है कि इसका इंसॉल्वेंट होंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, तो हमें कंसाइनी को लॉस होगा तो हमें बैर करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 150 इनटू 1850 होगा 2,77,500, 80 इनटू 2000 तो होगा 1,60,000। दूसरा आगे चलते हैं, यहाँ पे 40 इनटू 1900 तो ये है 76,000, तो ये हो गया हमारा टोटल, तीन का टोटल, तो 1,60,000 प्लस 2,77,500 तो हो जाएगा 5,13,500। और इसके साथ बच्चा हमारा ये सेल्स लिख दिया, सेल्स लिखा, ये किसने सेल किया है, तो आप बोलोगे सर ये सेल्स किया है कंसाइनी ने, तो कंसाइनमेंट अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ कंसाइनी के अकाउंट में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये क्यों नहीं गया, चलो हाँ, टू कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स, वहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे होगा डेबिट, अमाउंट आ जाएगी 5,13,500। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने किया था ये टोटल क्रेडिट साइड पे, तो यही इफेक्ट यहाँ पे आएगी डेबिट साइड पे। क्लियर? चलो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब आगे का सफ़र बढ़ते आगे, तो रसिक भाई पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस, तो ये ऑक्ट्रॉय कैरेज और तीसरा जो आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ध्यान में रखना है, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये रिकरिंग नेचर का है, सेलिंग एक्सपेंस एंड रिकरिंग नेचर के हम कभी कंसिडर नहीं करते। अभी तो आपको वो ऐसे ही समझना है कि सर इसको अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी नॉर्मल तरीके से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब लिखोगे ऑक्ट्रॉय कैरेज एंड सेलिंग एक्सपेंस, तो एक एक चीज़ लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रख के बुक लाओ, चलो तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चा, वो क्या है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये पहले लिखो रसिक भाई अकाउंट, उसका नाम लिखा जाएगा कंसाइनी का। रीज़न बहुत सिंपल है कि ये कंसाइनी के एक्सपेंस, जो कंसाइनी ने जो किया है बिजनेस के लिए, वो एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा। तो यहाँ पे अब लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या क्या आएगा वो लिखना शुरू करते हैं। तो पहला है ऑक्ट्रॉय, तो यहाँ पे ऑक्ट्रॉय हमारा जो दिया हुआ है वो क्या है, तो वो आप बोलोगे 4500। दूसरा आप बोलोगे कैरेज जो हमारा है वो है 1500। तीसरा है सेलिंग एक्सपेंस, वो हमारा है 875। तीनों का टोटल कर देते हैं बच्चा, तो यहाँ पे होगा 4500 प्लस 1500 प्लस 875 तो होगा 6875। यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो कंसाइनी अकाउंट में, रसिक भाई के अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट और लिखेंगे एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस होगा 6875। समझ में आया? वहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो ये वाला स्टेज भी ख़त्म। अब आया हमारा लास्ट पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट, रमन एंड अश्विन बिकम अ बैंकरप्ट, 60% कुड बी रिकवर फ्रॉम देम। तो ये बच्चा अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी ली थी वो अश्विन भाई थे। यहाँ पे बोला गया है कि सर इसको डेल क्रेडिट कमीशन भी देना है। जब भी डेल क्रेडिट कमीशन होता है
तो क्रेडिट सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? कंसाइनी की। पर जिसमें हम बोलते हैं, कंसाइनर बोल देता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप इनको गुड्स बेचो, आगे जाके वो नहीं देंगे, तो आगे जाके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो कंसाइनर होगा। तो आप समझ लो, अश्विन का जो भी गुड्स होगा वो हमें क्या होगा, हमें वो कंसाइनी को उसका इनडायरेक्टली वो पैसे उसके नहीं मिलेंगे, तो हम उसके लिए बैर कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर अश्विन भाई जो अशोक भाई है कि अश्विन भाई है, तो यहाँ पे अशोक भाई लिख दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे अश्विन लिख देना है, यहाँ पे अश्विन लिख देना है बच्चा, ध्यान में रखना। और यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स, और यहाँ पे अश्विन बाई अकाउंट क्या लिखेंगे, कितना, तो 76,000 उनका सेल्स था, इसमें से उन्होंने कितना दे दिया? तो आप बोलोगे सर उन्होंने 60% ही रिकवर कर पाया है, तो 40% हमें नहीं मिला है, 40% जो नहीं मिला है वो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 40%, तो 76,000 का 40%, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 30,400 हमारा आ जाएगा। ये डेबिट साइड पे है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट, और आप बोलोगे सर बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हो, और थोड़ा और प्रॉपर लिखना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेब्ट्स ऐसे लिख देना, वो अश्विन भाई। कितना है, 30,400। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये पॉइंट भी हो गया, और यहाँ पे ध्यान जो रखना है आप, ये जो है वो दूसरा जो नाम है रमन भाई का नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि रमन भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले ली थी, उसके लिए उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। आगे चलते हैं बच्चा, सेल्स पे 5% देना है और 2% डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल्स पे देना है। तो आप सबसे पहले सेल्स पे 5% दे देते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रॉपर यहाँ लिख देते हैं, टू कमीशन अकाउंट और ब्रैकेट में कंसाइनी अकाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पे 5% ऑन जनरल कमीशन यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे आप बोलोगे सर डेल क्रेडिट कमीशन कितना है, तो बच्चा डेल क्रेडिट कमीशन हमारा है 2%, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेल क्रेडिट कमीशन। तो अब बच्चा देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे टू, यहाँ पे 5,13,500 का 5% करोगे तो 25,675, और जो क्रेडिट सेल्स हुआ है वो 1,60,000 है, तो 1,60,000 का आप बोलोगे 2% तो हो जाएगा 3,200, तो ये हो जाएगा 3,200 प्लस 25,675, तो 28,875 ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये टोटल कमीशन आ जाएगा। फिर से एक बार, मैंने जो टोटल सेल्स पे 5% लिया है और क्रेडिट सेल्स एक ही पे लिया हुआ है, जो अश्विन भाई वाला है वो नहीं लिया है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली थी, तो कमीशन भी नहीं देंगे। क्लियर? यहाँ पे डेबिट हो रहा है 28,875, तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और लिखेंगे कमीशन कितना, 28,875। इसके साथ बच्चा हमारा मेजोरिटी पोर्शन ख़त्म। जो मेन पोर्शन है वो हमें ध्यान रखना है, वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, वो ध्यान से। चलो बच्चा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है? सबसे पहले हमारे पास कितने स्टॉक पड़े होंगे वो समझना है, तो वो समझ लो। सबसे पहले हमने भेजे थे कितने, तो आप बोलोगे सर इस बार आपने 300 साइकिल भेजी थी, जिसमें से आप बोलोगे सर इस बार कोई नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं है, 150 80 एंड 40 जो आपने सेल्स किया है वही है, तो 300 माइनस 150 माइनस 80 माइनस 40 तो बचेगा 30, समझ में आया? अब बच्चा इसमें जो वर्किंग नोट है वो प्रॉपर हम कर लेते हैं। यहाँ से आप वर्किंग नोट क्लोजिंग स्टॉक की कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ, ये जो बोला जाएगा साइकिल क्या है, तो लिखेंगे वर्किंग नोट में प्रॉपर लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और वर्किंग नोट हमारी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर एक कॉस्ट जो साइकिल की है वो कॉस्ट ऑफ
जो हमारी कॉस्ट है बाइसिकल की वो आप बोलोगे सर यहाँ पे है जो है 1260 और उसमें है 30 हमारी जो बाइसिकल है वो लेंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर के जो एक्सपेंस है वो आप लिखोगे और यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस तीनों को मिला के कितने होते हैं। तो देखो बच्चा यहाँ पे हो रहा है जो आप बोलोगे सर कैश में 7500 वो कंसिडर होगा। तो आप बोलोगे सर उसमें आप सिंपल तरीके से ये कितने हमने भेजे थे, तो आप बोलोगे सर ये 300 के लिए एक्सपेंस हो रहे थे 7500, तो ये आप बोलोगे सर ये 30 पे कितना, ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 आ जाएगा। और बाद में आप बोलोगे सर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, तो वो हम लिखेंगे इसमें 300 का जो टोटल खर्चा कंसाइनी ने किया है वो आप बोलोगे सर, बच्चा बोलेगा सर 6875 लिख दो, तो बच्चा गलत चीज़ है, मैंने पहले भी बोला था सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा, तो हमें सिर्फ कितना लिखना है 4500 प्लस 1500 6000 ही होगा, कितना होगा 6000, तो यहाँ पे हमने लिखा 6000, तो 30 पे कितना सॉल्व करोगे बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई कर देते 3300 इंटू 30 करोगे तो 60 रुपीज़ ही होगा, थोड़ा कम हो गया ऐसा लगता है, 6000 डिवाइड बाय 300 इनटू 30 तो ये हो जाएगा 600 जो सही बात है। और यहाँ पे आप बोलोगे 1260 इनटू 30 तो करोगे तो कितना हो जाएगा 37800, तो ये टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 750 प्लस 600 और 39150, तो ये टोटल वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये समझ में आया हो तो ही आगे बढ़ना बच्चा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्किंग नोट है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ ही गलती करते हैं, तो ये प्रॉपर लिख लो उसके बाद हम आगे चलें। तो बच्चा आप क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट डालते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऑलवेज क्रेडिट साइड पे आता है क्लोजिंग स्टॉक जो 39150 के साथ आ जाएगा। आप बोलोगे सर अब टोटल करना स्टार्ट कर देते हैं, चलो बच्चा तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 39150 1,513,500 प्लस 1,26,000, तो आप बोलोगे सर ये 6,78,650। और यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान रखना है कितना 6,78,650 माइनस करेंगे, तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट होगा जो हम प्रॉफिट ढूंढ लेंगे माइनस करते हुए 5,04,000 माइनस 7,500 माइनस 6,875 माइनस 30,400 28,875 जो हो जाएगा 1,01,000 और ये हमारा आंसर ये प्रॉफिट कंसाइनमेंट का आ गया। अब दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो अब ये अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा कंसाइनी का, तो वो हम करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे 5,13,500, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5,13,500, यहाँ पे हम लिखेंगे 5,13,500, ये बैलेंसिंग अमाउंट होगी जिसको हम बोलेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में यहाँ पे हम लिखते जाएंगे माइनस करते हुए 2,47,350, देखो सर ने लिखने में जल्दी जल्दी में गलती कर दी, 47,350 उसके बाद 6,875 उसके बाद 30,400 माइनस, आप बोलोगे सर 28,875 माइनस करोगे तो 2,00,000 रुपीज़ वो कंसाइनी जो है रसिक भाई वो हमें भेज देगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म, ये सम भी ख़त्म। प्रॉपर नोटबुक में लिखना बच्चा तो क्लियर हो जाएगा, पॉज करना है तो यहाँ पॉज करके लिख दो, यहाँ पे पॉज करके लिखना है तो लिख दो प्रॉपर तरीके से, देखो ये सिस्टमेटिक लिखना तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के।